नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। एक तरफ कोरोना गाइडलाइंस जारी किया गया है सरकार की ओर से, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मास्क के प्रयोग को अनिवार्य किया गया है, तो दूसरी ओर भीड़ जुटाने के लिए लोगों द्वारा अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गया के नारायणपुर पंचायत की, जहां साप्ताहिक बाजार में भीड़ जुटाने के लिए लोगों द्वारा, दुकानदारों द्वारा अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यहां बार बालाओं का अश्लील डांस करवाया जा रहा है, जिसको लेकर भीड़ बड़े तादाद में जुट रही है और जमकर पैसे उड़ाए जा रहे हैं। और यहाँ कानून के, प्रशासन के और सरकार के नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ गया के एसएसपी के द्वारा हर थानों को यह निर्देश जारी किया गया है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए और मास्क का प्रयोग भी अनिवार्य किया गया है, तो दूसरी ओर उन्हीं जिलों में भीड़ वाले जगह, भीड़ भाड़ को जुटाने के लिए अलग अलग हथकंडों को अपनाया जा रहा है और नियमों के, प्रशासन के नियमों की और कोरोना गाइडलाइंस के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जानी है। तो क्या ऐसे में प्रशासन कोई भी कार्रवाई करेगा या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन हम आपको बता दें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है, क्योंकि देश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है और देश में कई जगह, कई राज्यों में लॉकडाउन भी लगने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में कोरोना को जरा भी नजरअंदाज करना खतरे से खाली नहीं होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत।